नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन इफ एक्स प्लस आई वाई होल क्यूब इज इक्व टू यू प्लस आई वी देन प्रूव दैट यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्व टू फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर ए प्लस बी होल क्यूब टाइप का फंक्शन है तो यहां पर सबसे पहले एक्सपांसन क्या होगा तो देखते हैं ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी तो हम यहाँ पर ये फंक्शन का यूज़ करेंगे ये एक्सपांसन करेंगे ऐसे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई द होल क्यूब इज इक्व टू यू प्लस आई वी एक्सपांसन करते हैं यहाँ पर दैट इज़ द एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री ए बी यानी थ्री एक्स वाई आई और ब्रैकेट में x प्लस आई वाई एज इट इज यू प्लस आई वी राइट एंड साइड में भी एज इट इज नाउर x क्यूब एज इट इज i क्यूब दैट इज माइनस आई वाई क्यूब थ्री एक्स वाई को अंदर मल्टी करेंगे दैट इज थ्री एक्स स्क्वाई आई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर आई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी नव लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट्स और इमेजिन पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे यहां पर नाउ यहां पर लास्ट होगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर आई स्क्वायर ओके नाउ एक्स आई स्क्वायर इज इक्व टू माइनस वन तो ये पार्ट हो गया रियल पार्ट्स ओके ऑलरेडी ये एक्स क्यूब भी क्या है रियल तो रियल को हम साथ में लिखेंगे एक ब्रैकेट में तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर ओके okay, ये रियल पार्ट इमेजिन पार्ट में हम आई कॉमन निकालेंगे दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी यहां पर यू प्लस आई वी यानी लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म राइट हैंड साइड भी स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करेंगे यहां पर तो कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिन पार्ट ओके okay, तो रियल एंड इमेजिन पार्ट को कंपेयर करेंगे दैट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वस टू यू एंड थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वस टू वी नाउ लेफ्ट साइड में यहां से हम एक्स कॉमन निकालेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वस टू यू एंड Here right hand side say left hand side may say y common that is 3x square minus y square is equal to v. Okay. Now a x ko denominator means that is u by x is equals to x square minus 3y square and v by y is equals to 3x square minus y square.

और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी है यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई आपको यहां पर प्रूव करना था एग्जाम्पल नंबर 17 इफ अल्फाइन बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर वेर मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज वन स्टूडेंट्स यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिफरेंट है अल्फा एंड बीटा जनरली हम जेड वन जेड टू डिराइव करते हैं ऐसे ही अल्फा एंड बीटा आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जो बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है इट्स मॉड्यूलस वैल्यू इज वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार इन टू बीटा तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर द टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज अल्फा इज नॉट इक्व टू बीटा एंड मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वस टू वन ओके ये दो कंडीशन आपके पास है आपको जो वैल्यूज फाइंड करना है, देखते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों में हम बीटा बार से मल्टी करते हैं ओके दैट इज द बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपॉन वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा अपॉन बीटा बार तो न्यूमरेटर और डिनोमीटर में हमने बीटा बार से यहां पर मल्टी कर दिया उ स्टूडेंट्स यहां पर न्यूमरेटर हम एज इट इज रख रहे हैं बीटा माइनस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है बट न्यूमरेटर एज इट इज डीनोमीटर में अंदर मल्टी करते हैं तो यहां पर क्या चेंजेस होगा बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इंटू बीटा, बीटा बार ओके डिनोमीटर में यहां पर मैंने मल्टी किया अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर बीटा इंटू बीटा बार बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ बीटा ओके अब देखते हैं यहां पर ये एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी भी हम साथ में क्लियर करते जाते हैं ओके तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओके तो देखते हैं यहां पर को भी जेड होगा जेड इंटू जेड बार ओके क्या होगा जेड इंटू जेड बार ओके ये कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा इंटू बीटा बार है सपोज जेड इंटू जेड बार एक एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं जेड इंटू जेड बार सपोज जेड लेते हैं जेड बार क्या होगा वन माइनस आई कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इसका आंसर क्या मिलेगा वन माइनस आई स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन दैट इज वन प्लस वन दैट इज टू ओके अब देखो स्टूडेंट्स ये जो जेड था ना इसका वो वैल्यू फाइंड बार आपको क्या मिलेगा जो जेड है ना कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड्यूलस ओके okay? और उसका स्क्वायर मॉड्युलस वैल्यू अंडर रूट में होगी यहां पे उसका क्या मिलेगा आपको स्क्वायर ओके okay? तो ये प्रॉपर्टी यहां पर हम यहां पर अप्लाई करते हैं और प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल लेकर हमने सॉल्व भी किया और वहां पर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पर आपने ये फॉर्मूला लिखी रीजन होगा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल अदरवाइज मॉड जेड स्क्वायर ओके ये प्रॉपर्टी अप्लाई की बट इसकी वैल्यू आपके पास वन है दैट इज बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा बार रीजन में क्या लिखेंगे बीटा की वैल्यू मैग्नेट वो जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो कितनी है वन अब आप यहाँ पे सेपरेटली सबको अप्लाई कर दो बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपॉन क्या होगा यहाँ पर बीटा बार माइनस अल्फा बार सबको सेपरेटली अप्लाई कर दिया एक और प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी कि अगर जेड और जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करके कॉन्जुकेट ले लो अदरवाइज सेपरेटली लेकर आप सब्ट्रैक्शन दे दो उसका मतलब ये स्टूडेंट्स यहां पर जेड वन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आई एंड जेड टू इज इक्वल टू वन प्लस आई सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो थ्री माइनस वन टू टू आई प्लस टू आई माइनस आई द्लस आई ये मिला अब इसका okay? कॉन्जुगेट अदरवाइज अब कॉन्जुगेट लेकर सब्ट्रैक्शन करो जेड वन बार माइनस जेड टू बार कॉन्जुगेट क्या होगा थ्री माइनस टू आई माइनस वन माइनस आई ओपन द ब्रैकेट मीन्स साइन चेंज हो जाएगी थ्री माइनस वन यानी टू माइनस टू आई प्लस आई माइनस आई तो आप देख सकते हैं दोनों क्या आया सेम आप पर करो same. तो ये concept हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ओके okay? साथ में भी देखते जाते हैं तो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया सेपरेटली यहाँ पर मॉड्यूल तो दे दिया आपने बट बीटा बार माइनस अल्फा बार को आप सप्ट्रेक्शन का टोटल बार लिख सकते हो यहाँ पर दैट इज द बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा बार ओके कॉमन बार भी यहाँ पर लिख सकते हो ओके okay? रीजन में आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या लिखोगे कि जेड वन माइनस जेड टू बार इज इक्वल्स टू जेड वन माइनस झेड टू बार सेपरेटली भी आप लिख सकते हो थर्ड प्रॉपर्टी देखो जेड का मॉड्यूल्स फाइन करोगे या जेड बार का दोनों का आंसर क्या होगा सेम बिकॉज दोनों के स्क्वायर का एडिशन करके अंडर रूट करना है तो नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर हो जाएगा तो इन शॉर्ट यहां पर बीटा माइनस अल्फा ओके यानी बीटा लिखो ओके okay? बीटा बार लिखो या जेड या जेड बार का मॉड्यूलस लिखो दोनों सेम ओके okay? तो सेम यहां पर बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हो रीजन आएगा जेड का मैग्नेट वो मॉड्यूलस फाइंड करो या बार कॉन्जुगेट लेकर मॉड्यूल फाइंड करो दे आर सेम अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम है कैंसल हो गई ओके okay, अब बाकी क्या रहा हमारे पास मॉड्यूल ऑफ बीटा एंड इट्स वैल्यू इज वन ओके तो स्टूडेंट्स यहां पर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंस है इंपॉर्टेंस इसीलिए कि यहां पर मैगनेट वो जो मॉड्यूलर्स uh, है और कॉन्जुगेट है वो दोनों की मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर सब अप्लाई हो रही है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर एटीन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन स्टूडेंट्स यहां पर इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया है इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो एक्स फाइंड करना है और सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने सोल्यूशन है ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन है वन माइनस आई मॉड्युलड्यूल तो मॉड्यूलस तो हमको मालूम नहीं है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर बिकॉज आई का जो कोफिश हैल्यू हो गया एंड रेस टू एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स मीन्स वन एंड माइनस वन स्क्वायर दैट इज वन वन प्लस वन टू दैट इज रूट टू रेस टू एक्स और टू को आप क्या लिख सकते हो रूट टू का स्क्वायर रेस्ट टू एक्स क्यों ऐसा किया बेस सेम करने के लिए पावर सेम मीन्स टू एक्स इज इक्वस टू एक्स वी गेट टू एक्स माइनस एक्स इज जीरोट इज एक्स इक्व टू जीरो तो यह उसका सोल्यूशन मिला यह क्या हुआ सोल्यूशन ओके okay? तो सॉल्यूशन मिला आपको कितने सॉल्यूशन मिले एक ही सॉल्यूशन मिला कौन सा जीरो ओके तो जीरो आप यहां पे पुट करोगे टू रेस्ट टू जीरो दैट इज़ कोई भी पावर जीरो होगा दैट इज वन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम तो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन कितने मिले वन मिला कौन सा मिला जीरो सॉल्यूशन इज जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन बट यर क्वेश्चन इज द नॉन जीरो स्टूडेंट्स देखो यहां पर नॉन जीरो इंटीग्रल जीरो नहीं होना चाहिए जीरो के अलावा सॉल्यूशन होना चाहिए तो जीरो के अलावा सॉल्यूशन मिला नो no. एक ही सॉल्यूशन मिला बट वो जीरो मिला मींस आपका जो आंसर होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन इज ये जीरो नहीं ये तो सॉल्यूशन हुआ नंबर्स कितने मिले एक एक सॉल्यूशन अगर ये नॉन-जीरो यूज़ नहीं किया होता ना तो आपका क्या वन आता ओके? कितने सॉल्यूशन मिले? एक सॉल्यूशन मिला कौन सा मिला जीरो तो एक आंसर आता वन ओके बट यहां पर नॉन जीरो बोला है, जीरो के अलावा होने चाहिए नाउ नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स होमवर्क में करना है आगे हमने जो मॉड्यूल के रिलेटेड सॉल्व किया प्लस आई बी सी प्लस आई डी प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इज इक्व टू स्मॉल ए प्लस आई बी देखो यहां पर जो क्वेश्चन है तो उसको आपको सॉल्व करना है यहां पर कैपिटल ए प्लस आई बी है तो कैपिटल ए प्लस आई बी एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल ए स्कवायर प्लस बी स्क्वायर नव तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में दोनों साइड मॉड्यूलस ले लो तो यहां पर दोनों मॉड्यूलस यहां पर मॉड्यूलस

फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ एम यानी एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है लिस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड करनी है तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यहां पर कॉन्चुकेट ओके राइट एंड साइड वन एज इट इज न्यूमरेटर इज द वन प्लस आई होल स्क्ट इज वन प्लस टू आई प्लस आई स्क्वायर अपॉन डिनोमीटर में वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर दैट इज प्लस टू इज टू वन नाउ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स देखो स्क्वायर इज टू क्या होगा माइनस वन यानी प्लस वन कैंसिल रीजन लिखना है तो आई इज इक्व टू माइनस वन तो वो कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में क्या मिला आपको टू एम टू आई ओके टू आई अपॉन टू रेस टू एम इज वन

स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव इंटीग्रल फाइंड करना है ओके okay? तो यहां पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम इज वन टू सॉरी जीरो फोर एट ट्वेल्व अप टू एंड ऑन ये सब पॉसिबल वैल्यू ये सब कोई भी पुट करोगे वन मिलेगा बट लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए ओके पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम इज इक्वस टू फोर ओके तो यहां पे आपको क्या लिखना चाहिए जीरो लिखा बट वो पॉजिटिव नहीं है ओके पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो ओके तो इसमें नेगेटिव और जीरो नहीं लेना है पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिस्ट क्या होगा फोर बहुत सारे आंसर मिलेंगे फोर एट ट्वेल्व सब बट पॉजिटिव लिस्ट इंटीजर इज एम इज इक्वस टू फोर ओके okay? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज मिशल एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर फाइव कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है ओके थैंक यू